Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope that you people are doing absolutely fine and doing good. So आज का ये जो video है, this video is completely dedicated to the BSc Nursing का जो आगे का information था, जो मैंने आपको अपने BSc Nursing first year के vlog में बताया था that आपको क्या करना है if you are planning to do a BSc Nursing. सो ये उसी के आगे का वीडियो है दैट यू पीपल आस्किंग फ्रॉम मी कि आप इसका क्लासेस कब शुरू होती है ये बता दो एंड उसका फीस का स्ट्रक्चर वगैरह मैंने सब उस पर ऑलरेडी मेरे फर्स्ट वाले ब्लॉग पर मैंने शेयर किया हुआ है, जो मेरा फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड. तो ये वीडियो उसके आगे का है और इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ दैट क्लासेस कब शुरू होती हैं, दैट आपने बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्लासेस कब शुरू होती है और क्या क्या है. एक कॉमेंट सेक्शन में किसी ने मुझसे पूछा है तो मैं उस चीज़ का भी आंसर आपको कर रही हूँ कि क्लासेस कब शुरू होती है बीएससी नर्सिंग के की आफ्टर द एडमिशन एंड क्या प्रोसीजर होता है, क्या कैसे आपको मैनेज करना है, क्या है, वो सब इस वीडियो में होने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहली चीज़ जो होती है वो होता है आपका एडमिशन. जब आपका एडमिशन हो जाता है तब आपको फर्स्ट ईयर की, अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया, तो सेमेस्टर वाइज के अकॉर्डिंगली आपके सब्जेक्ट भी डिवाइड हो चुके हैं. तो जो सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हुए हैं वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे. इन फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आपके हैं वो यहाँ पे फ्लैश हो रहे होंगे. आप देख लो, इसको पॉज करके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. साथ में इस साइड पे आप देख रहे होंगे कि बुक के जितने भी सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट बुक्स हैं वो आप यहाँ से देख लो और आप उससे आइडिया ले करके आप बाय कर सकते हो बाहर से. और अगर इफ़ यू आर इन लखनऊ तो आप अमीनाबाद से जा कर के यू कैन बाय ऑल द बुक्स, सब अवेलेबल होती है वहाँ पे, आप खरीद सकते हो. बात करते हैं अगर स्टडी की, तो पहली चीज़ तो ये कि बीएससी नर्सिंग में रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होता है, सो यू हैव टू अटेंड द क्लासेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि वही आपको आगे ले जा कर के आपको हेल्प करेगा सो दैट आपका जितना भी फोकस है वो आपकी पढ़ाई पर इन लेक्चर्स जो आपको टीचर्स देते हैं, जो आपके प्रोफेसर आपको लेक्चर्स देंगे, उससे आपको ज़्यादा कवर करने में हेल्प होगा. और सेमेस्टर में क्या होता है कि सेमेस्टर भी है और अगर मैं बात करूँ तो जो ईयरली एग्ज़ाम्स भी होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम भी होते हैं, तो उसमें भी आपका सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते. इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस कि हाँ आपको जितना पढ़ाया गया है उसमें से आपको आता है या नहीं. तो वो बेसिकली दैट इज़ फॉर योर यू नो कैपेसिटी, दैट इज़ फॉर योर यू नो प्रैक्टिस. वो एग्ज़ाम कॉलेज कंडक्ट कराता है बेसिकली एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेशनल एग्ज़ाम एक्चुअली. तो आपको सेशनल एग्ज़ाम में पूरा टाइम मिलता है कि आप अपने फाइनल्स की तैयारी कर सको, क्योंकि वही क्वेश्चन पेपर्स और उन्हीं में से ही आपसे पूछा जाता है घुमा फिरा के. जो एनुअल एग्ज़ाम होता है या जो भी फाइनल एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर और फाइनल ईयर का, वो आपसे पूछते उन्हीं में से ही घुमा घुमा के. तो आपका अगर सेशनल एग्ज़ाम अगर कॉलेज अगर कराता है, अटेम्प्ट करते हो आप, सो यू मस्ट अटेम्प्ट, आप उसको छोड़ो मत. और हर एक क्वेश्चन पेपर को आप बना के अपने साइड में रख लो सो दैट वो आपको आगे हेल्प करता है. तो ये तो हो गई आपकी बात एग्ज़ाम्स की. बात करते हैं नोट्स वगैरह की. तो मेरा ये सिंपल जो मैं अप्लाई करती हूँ एंड दैट इज़ कि मैं किसी कोई ज़्यादा नोट्स बनाती नहीं हूँ एज सच, बट अगर मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जो मेरे को समझ में अगर नहीं आ रहे मैं उनको पढ़ती हूँ एंड देन मैं उसको राइट इट डाउन करती हूँ ताकि वो मेरे दिमाग में बैठा रहे सो दैट मैं आगे जब भी कभी पढ़ने की वो करूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, तो आई कैन परस्यू. ठीक है, तो मैं अभी बनाती हूँ, ज़रूर है कि आप बनाओ, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप राइटिंग पर फोकस मत करो, आई मीन रिटन उस पर फोकस मत करो. ज़्यादा से ज़्यादा आप दिमाग लगाओ कि आपको पढ़ना क्या है. तो डोंट डू अ हार्ड वर्क गाइज, आई एम टेलिंग यू, आप हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करो. बुक्स ले लो एंड बुक्स से पढ़ो जो कि आपकी कंपटीशन वाली बुक है, जैसे कि जस्ट लाइक पीआर. सो पीआर यादव हो गई और इन टाइप की जो बुक्स हैं वो मेंशन कर दूंगी मैं यहाँ पे, तो आप देख लेना. तो वो बेसिकली आपको हेल्प करता है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, पूरा कंटेंट उसमें होता है, तो आपको बाहर से कोई और बुक लेके पढ़ने की नीड नहीं है. वो आपको गवर्नमेंट लेवल की प्रैक्टिस देता है सो दैट आप कम्प्लीटली अपनी गवर्नमेंट लेवल की कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो. इससे देखो आप गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हो,
तो गवर्नमेंट की तैयारी के लिए आपको ये मैंने बता दिया है, एक सिंपल सा सोर्स है और प्लस तैयारी के लिए तो ये है, दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकलते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करो और आप अगर आपका लग अच्छा होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। बट उससे वो तो बहुत दूर की बात हो गई है, बट तब तक के लिए अभी आप फर्स्ट ईयर की जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर आप फोकस करो तो आपका फर्स्ट ईयर आराम से निकल जाएगा। जितना भी मार्किंग होती है, जो कुछ भी होती है, मैं यहाँ सारा कुछ मेंशन कर दूँगी, आप देख लेना, सो दैट आपको समझ में आ जाना है कि आपको क्या बेसिकली किस किन चीज़ों में आपको ध्यान देना है, कितने नंबर का पेपर आता है, कैसा क्वेश्चन पेपर होता है। मैं सारा कुछ अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो आप देख लेना तो आपको मालूम चल जाएगा। साथ ही साथ जो कुछ भी आगे की इंफॉर्मेशन होंगी, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट चुका है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करो, सो दैट मैं वो सारी वीडियोस लेकर के आपके पास आऊँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, सो दैट कुछ भी मिस ना हो। अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो लाइक टू परस्यू योर करियर, सो आप कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी कि ये नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने इस पर अच्छा सारे लाइक कर दिए तो प्रॉमिस है मेरा कि मैं नर्सिंग के उस पर लेके आऊँगी कि यार नर्सिंग का करियर बेसिकली इंडिया में ज़्यादा है या अब्रॉड में ज़्यादा है। एंड सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो, होप कि आप ठीक रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, एंड दैट्स ऑल आई वांट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।